व्यावहारिक जीवन में वेदांत। 10 नवंबर 1896 ईस्वी को लंदन में दिया हुआ व्याख्यान। बहुत से लोगों ने मुझसे व्यावहारिक जीवन में वेदांत की उपयोगिता पर कुछ बोलने के लिए कहा है। मैं तुम लोगों से पहले ही कह चुका हूं, सिद्धांत बिल्कुल ठीक होने पर भी उसे कार्य रूप में परिणत करना एक समस्या हो जाती है। यदि उसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता तो बौद्धिक व्यायाम के अतिरिक्त उसका और कोई मूल्य नहीं। अतएव वेदांत यदि धर्म के स्थान पर आरूढ़ होना चाहता है तो उसे संपूर्ण रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। हमें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में उसे कार्य रूप में परिणत कर सकना चाहिए। केवल यही नहीं अपितु आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन के बीच जो एक काल्पनिक भेद है उसे भी मिट जाना चाहिए, क्योंकि वेदांत एक अखंड वस्तु के संबंध में उपदेश देता है। वेदांत कहता है कि एक ही प्राण सर्वत्र विद्यमान है। धर्म के आदर्शों को संपूर्ण जीवन को आविष्ट करना, हमारे प्रत्येक विचार के भीतर प्रवेश करना और कर्म को अधिकाधिक प्रभावित करना चाहिए। मैं व्यवहारिक पक्ष पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा, किंतु ये व्याख्यान भावी व्याख्यानों की उपक्रमणिका के रूप में है। अतः पहले हमें वेदांत सिद्धांत का परिचय प्राप्त करना होगा और यह समझना होगा कि यह सिद्धांत किस प्रकार पर्वतों की गुफाओं और घने जंगलों में से निकलकर कोलाहलपूर्ण नगरों की व्यस्तताओं में भी कार्यान्वित हुए हैं। इन सिद्धांतों में एक विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश निर्जन अरण्यवास के फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुए, किंतु जिन व्यक्तियों को हम सबसे अधिक कर्मण्य मानते हैं वे ही राज सिंहासन पर बैठने वाले राजराजर्षि इनके प्रणेता हैं। श्वेत केतु आरुणि ऋषि के पुत्र थे। ये ऋषि संभवतः वानप्रस्थी थे। श्वेत केतु का लालन पालन वन में ही हुआ, किंतु वे पांचालों के नगर में गए और राजा प्रवाहन जैवली की राज्यसभा में उपस्थित हुए। राजा ने उनसे पूछा, मरते समय प्राणी इस लोक से किस प्रकार गमन करता है, क्या यह तुम जानते हो? नहीं। किस प्रकार यहां उसका पुनर्जन्म होता है जानते हो? नहीं। पितृयान और देवयान के विषय में कुछ जानते हो? आदि आदि। इस प्रकार राजा ने और भी अनेक प्रश्न किए। श्वेत केतु किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। तब राजा ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते। बालक ने लौटकर पिता से यह सब हाल कह सुनाया। पिता ने कहा, मैं भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता, अगर जानता तो क्या तुम्हें ना सिखाता? तब वह राजा के पास गया और उनसे इस गुप्त विषय की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की। राजा ने कहा, यह ब्रह्म विद्या केवल राजाओं को ही ज्ञात थी, पुरोहितों को इसका कभी ज्ञान न था। जो हो, इसके बारे में उसने जो कुछ जानना चाहा वे उसकी शिक्षा देने लगे। इस प्रकार हम अनेक उपनिषदों में यही पाते हैं कि वेदांत दर्शन केवल वन में ध्यान द्वारा ही नहीं जाना गया, किंतु उसके सर्वोत्कृष्ट भिन्न भिन्न अंश सांसारिक कर्मों में विशेष व्यस्त मनीषी लोगों द्वारा ही चिंतित तथा प्रकाशित किए गए। लाखों मनुष्यों के निरंकुश शासक इन राजाओं की अपेक्षा अधिक कार्यव्यस्त और कौन हो सकता है? किंतु साथ ही इन शासकों में से कोई कोई गंभीर चिंतक भी थे। इन सब बातों से यही स्पष्ट होता है कि यह दर्शन व्यवहारिक है। परवर्ती काल की भगवद गीता को तो शायद तुम लोगों में से बहुतों ने पढ़ा होगा। यह वेदांत दर्शन का एक सर्वोत्तम भाष्य स्वरूप है। कितने आश्चर्य की बात है कि इस उपदेश का केंद्र है संग्राम स्थल, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दर्शन का उपदेश दिया है, और गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर जो मत उज्ज्वल रूप से प्रकाशित है वह है तीव्र कर्मण्यता, किंतु उसी के बीच अनंत शांत भाव। इसी तत्व को कर्म रहस्य कहा गया है और इस अवस्था को पाना ही वेदांत का लक्ष्य है। हम साधारणतया अकर्म का अर्थ करते हैं निश्चेष्टता, पर यह हमारा आदर्श नहीं हो सकता। यदि यही होता तो हमारे चारों ओर की दीवारें भी परम ज्ञानी होती, वे भी तो निश्चेष्ट हैं।
मिट्टी के ढेले और पेड़ों के तने भी जगत के महातपस्वी गिने जाते, क्योंकि वे भी तो निश्चेष्ट हैं। और यह भी नहीं कि किसी भी तरह कामना युक्त होकर किए जाने वाले कार्य कर्म कहलाए जा सकते। वेदांत का आदर्श जो प्रकृत कर्म है, वह अनंत शांति के साथ संयुक्त है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वह स्थिरता कभी नष्ट नहीं होती, चित्त का वह साम्य भाव कभी भंग नहीं होता। हम लोग भी बहुत कुछ देखने सुनने के बाद यही समझ पाए हैं कि कार्य करने के लिए इस प्रकार की मनोवृत्ति ही सबसे अधिक उपयोगी होती है। लोगों ने मुझसे यह प्रश्न अनेक बार किया है कि हम कार्य के लिए जो एक प्रकार का आवेग अनुभव करते हैं, यदि वह ना रहे तो हम कार्य कैसे करेंगे। मैं भी बहुत दिनों तक पहले यही सोचता था, किंतु जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ रही है, जितना अनुभव बढ़ता जा रहा है, उतना ही मैं देखता हूं कि यह सत्य नहीं है। कार्य के भीतर आवेग जितना ही कम रहता है, उतना ही उत्कृष्ट वह होता है। हम लोग जितने अधिक शांत होते हैं, उतना ही हम लोगों का आत्मकल्याण होता है और हम काम भी अधिक अच्छी तरह कर पाते हैं। जब हम लोग भावनाओं के अधीन हो जाते हैं, तब अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, अपने स्नायु समूह को विकृत कर डालते हैं, मन को चंचल बना डालते हैं, किंतु काम बहुत कम कर पाते हैं। जिस शक्ति का कार्य रूप में परिणित होना उचित था, वह वृथा भावुकता मात्र में परिवसित होकर क्षय हो जाती है। जब मन अत्यंत शांत और एकाग्र रहता है, केवल तभी हम लोगों की समस्त शक्ति सत्कार्य में व्यय होती है। यदि तुम जगत के महान कार्यकुशल व्यक्तियों की जीवनी कभी पढ़ो, तो देखोगे कि वे अद्भुत शांत प्रकृति के लोग थे। कोई भी वस्तु उनके चित्त की स्थिरता भंग नहीं कर पाती थी। इसीलिए जो व्यक्ति शीघ्र ही क्रोध, घृणा या किसी अन्य आवेग से अभिभूत हो जाता है, वह कोई काम नहीं कर पाता, अपने को चूर चूर कर डालता है और कुछ भी व्यवहारिक नहीं कर पाता। केवल शांत, क्षमाशील, स्थिर चित्त व्यक्ति ही सबसे अधिक काम कर पाता है। वेदांत आदर्श का उपदेश देता है, और आदर्श वास्तविक की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च होता है। हम लोगों के जीवन में दो प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। एक है अपने आदर्श का सामंजस्य जीवन से करना, और दूसरी है जीवन को आदर्श के अनुरूप उच्च बनाना। इन दोनों का भेद भलीभांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि पहली प्रवृत्ति हमारे जीवन का एक प्रमुख प्रलोभन है। मैं सोचता हूं कि मैं कोई विशेष प्रकार का कार्य कर सकता हूं, शायद उसका अधिकांश ही बुरा है, और उसके पीछे शायद क्रोध, घृणा अथवा स्वार्थपरता का आवेग ही विद्यमान है। अब मानो किसी व्यक्ति ने मुझे किसी विशेष आदर्श के संबंध में उपदेश दिया, निश्चय ही उसका पहला उपदेश यही होगा कि स्वार्थपरता तथा आत्मसुख का त्याग करो। मैं सोचता हूं कि यह करना तो असंभव है, किंतु यदि किसी एक ऐसे आदर्श के संबंध में उपदेश दिया जो मेरी स्वार्थपरता और निम्न भावों का समर्थन करे, तो मैं उसी समय कह उठता हूं, यही है मेरा आदर्श, और मैं उसी आदर्श का अनुसरण करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। इसी प्रकार शास्त्रीय बात को लेकर लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और कहते हैं कि जो मैं समझता हूं वही शास्त्रीय है, तथा जो तुम समझते हो वह अशास्त्रीय है। व्यवहार्य यानी प्रैक्टिकल शब्द को लेकर भी ऐसा ही अनर्थ होता रहता है। जिस बात को मैं कार्य रूप में परिणित करने योग्य समझता हूं, जगत में एकमात्र वही व्यवहार्य है, प्रैक्टिकल है, ऐसी मेरी धारणा होती है। उदाहरणार्थ, यदि मैं एक दुकानदार हूं, तो सोचता हूं कि संसार में दुकानदारी ही एकमात्र व्यवहारिक कर्म है। यदि मैं चोर हूं, तो चोरी के बारे में भी यही सोचता हूं। तुम जानते हो कि हम सब इस व्यवहार्य, प्रैक्टिकल शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं कर्मों के लिए करते हैं जिनकी ओर हमारी प्रवृत्ति है और जो हमसे किए जा सकते हैं। इसी कारण मैं तुम लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि वेदांत पूर्ण रूप से व्यवहार्य है, तथापि साधारण अर्थ में नहीं, बल्कि
आदर्श के दृष्टिकोण से। वेदांत का आदर्श कितना ही उच्च क्यों न हो, वह किसी असंभव आदर्श को हमारे सामने नहीं रखता, और वास्तव में यही आदर्श ठीक ठीक आदर्श है। एक शब्द में इसका उपदेश है, तत्त्वमसि, तुम ही वह ब्रह्म हो, और इसके समुदय उपदेश की अंतिम परिणति यही है। समस्त बौद्धिक वाद विवाद और विस्तार के पश्चात तुम्हें इसमें यही सिद्धांत मिलेगा कि मानवात्मा शुद्ध स्वभाव और सर्वज्ञ है। आत्मा के संबंध में जन्म अथवा मृत्यु की बात करना भी कोरी विडंबना मात्र है। आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। मैं मरूंगा अथवा मरने में डर लगता है, यह सब केवल कुसंस्कार मात्र है, और मैं यह कर सकता हूं यह नहीं कर सकता, ये सब भी कुसंस्कार हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। वेदांत सबसे पहले मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहता है। जिस प्रकार संसार का कोई कोई धर्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने से बाहर सगुण ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है, उसी प्रकार वेदांत भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। अपनी आत्मा की महिमा में विश्वास न करने को ही वेदांत में नास्तिकता कहते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह एक भीषण विचार है, इसमें कोई संदेह नहीं, और हम में से अधिकांश सोचते हैं कि यह कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। किंतु वेदांत दृढ़ रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस सत्य को जीवन में प्रत्यक्ष कर सकता है। इसकी उपलब्धि में स्त्री पुरुष, बालक बालिका, जाति या लिंग आदि से संबंध किसी प्रकार का विभेद बाधक नहीं है, क्योंकि वेदांत दिखा देता है कि वह सत्य पहले से ही सिद्ध है और पहले से ही विद्यमान है। हम में ब्रह्मांड की समूची शक्ति पहले से ही है। हम लोग स्वयं ही अपने नेत्रों पर हाथ रखकर अंधकार अंधकार कहकर चीत्कार करते हैं। जान लो कि तुम्हारे चारों ओर कोई अंधकार नहीं है। हाथ हटाने पर ही तुम देखोगे कि वहां प्रकाश पहले से ही वर्तमान था। अंधकार कभी था ही नहीं, दुर्बलता कभी थी ही नहीं। हम लोग मूर्ख होने के कारण ही चिल्लाते हैं कि हम दुर्बल हैं, मूर्खतावश ही चिल्लाते हैं कि हम अपवित्र हैं। इस प्रकार वेदांत आदर्श को कार्यान्वित किया जा सकता है केवल यही नहीं कहता, किंतु यह भी कहता है कि वह आदर्श हम लोगों को पहले से ही प्राप्त है, और जिसे हम अब आदर्श कहते हैं वही हमारी प्रकृत सत्ता है, वही हम लोगों का स्वरूप है। पर जो कुछ हम देखते हैं वह संपूर्ण मिथ्या है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं मर्त्य शुद्र जीव हूं, तुम झूठ बोलते हो। तुम मानव सम्मोहन के द्वारा अपने को अधम, दुर्बल, अभागा बना डालते हो। वेदांत पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीकार करता है, और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा भ्रम है अपने को दुर्बल, पापी, हतभाग्य कहना। यह कहना कि मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता आदि आदि। कारण, जब तुम इस प्रकार सोचने लगते हो तभी तुम मानो बंधन श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ देते हो, अपनी आत्मा पर सम्मोहन की एक परत को और जमा कर देते हो। अतएव जो कोई अपने को दुर्बल समझता है वह भ्रांत है, जो अपने को अपवित्र मानता है वह भ्रांत है। वह जगत में एक असत विचार प्रवाहित करता है। हमें सदा याद रखना चाहिए कि वेदांत में हमारे इस प्रस्तुत सम्मोहित जीवन का, हमारे द्वारा स्वीकृत मिथ्या जीवन का आदर्श के साथ समझौता कराने की कोई चेष्टा नहीं की। उसका तो परित्याग करने के लिए कहा गया है, और ऐसा होने पर ही उसके पीछे जो सत्य जीवन सदा वर्तमान है वह प्रकाशित होगा, व्यक्त होगा। यह नहीं कि मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक पवित्र हो जाता है, बात केवल अधिकाधिक अभिव्यक्ति की है। आवरण हटता जाता है और आत्मा की स्वाभाविक पवित्रता प्रकाशित होने लगती है। यह अनंत पवित्रता, मुक्त स्वभाव, प्रेम और ऐश्वर्य पहले से ही हम में है।
वेदांत यह भी कहता है कि ऐसा नहीं कि यह केवल वन अथवा पहाड़ी गुफाओं में उपलब्ध हो सकता हो, वरन हम सब ये देख चुके हैं कि पहले जिन लोगों ने इन सत्य समूहों का आविष्कार किया था वे वन अथवा पहाड़ी गुफाओं में नहीं रहते थे। साथ ही वे सामान्य मनुष्य भी नहीं थे, वरन वे लोग ऐसे थे, हम लोगों के इस विश्वास का विशेष कारण है, जो विशेष रूप से कर्मठ जीवन बिताते थे, जिन्हें सैन्य संचालन करना पड़ता था, जिन्हें सिंहासन पर बैठकर प्रजा वर्ग का हानि लाभ देखना होता था। इसके अतिरिक्त उस समय राजा गण ही सर्वे सर्वा थे, आजकल जैसे कठपुतली नहीं। फिर भी वे लोग इन सब तत्वों का चिंतन करने तथा उनको जीवन में परिणित करने और मानव जाति को शिक्षा देने का समय निकाल लेते थे। अतएव उनकी अपेक्षा हम लोगों को इन सब तत्वों का अनुभव होना तो और भी सहज है, क्योंकि हमारा जीवन उनकी तुलना में अवकाश का जीवन है। हम अपेक्षाकृत सारे समय खाली ही रहते हैं, हमारे पास करने को बहुत कम रहता है, अतः हमारे लिए उस सत्य का साक्षात्कार न कर सकना बड़ी लज्जाजनक बात है। पुरातन सर्वे सर्वा सम्राटों की आवश्यकताओं की तुलना में हमारी आवश्यकताएं तो कुछ भी नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अवस्थित विराट सेना के परिचालक अर्जुन की जितनी आवश्यकताएं थीं, हमारी आवश्यकता उसकी तुलना में नगण्य है। तब भी उस युद्ध कोलाहल के बीच में भी वे उच्चतम दर्शन को सुनने और उसे कार्यान्वित करने का समय पा सके। इसलिए अपने इस अपेक्षाकृत स्वाधीन आराममय जीवन में हमें उतना कर सकना चाहिए। हम लोग यदि ठीक प्रकार से समय बिताएं तो हम देखेंगे कि हम जितना सोचते और समझते हैं उसकी अपेक्षा हमारे पास कहीं अधिक समय है। हम लोगों को जितना अवकाश है उसमें यदि हम सचमुच चाहें तो एक नहीं 50 आदर्शों का अनुसरण कर सकते हैं, किंतु आदर्श को हमें कभी नीचा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति की आशंका है ऐसे व्यक्तियों से जो हमारे व्यर्थ अभावों और वासनाओं के लिए अनेक प्रकार के वृथा कारण दिखाते हैं। और हम लोग भी यही सोचते हैं कि हम लोगों का इससे बड़ा और कोई आदर्श नहीं हो सकता, किंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वेदांत इस प्रकार की शिक्षा कभी नहीं देता। प्रत्यक्ष जीवन को आदर्श के साथ समन्वित करना पड़ेगा, वर्तमान जीवन को अनंत जीवन के साथ एक रूप करना होगा। कारण, तुम्हें सदा स्मरण रखना होगा कि वेदांत का मूल सिद्धांत यह एकत्व अथवा अखंड भाव है। द्वित्व कहीं नहीं है, दो प्रकार का जीवन अथवा जगत भी नहीं है। तुम देखोगे कि वेद पहले स्वर्गादि के विषय में कहते हैं, किंतु अंत में जब वे अपने दर्शन के उच्चतम आदर्शों पर आते हैं तो वे उन सब बातों को बिल्कुल त्याग देते हैं। एकमात्र जीवन है, एकमात्र जगत है, एकमात्र सत है, सब कुछ वही एक सत्ता मात्र है। भेद केवल परिमाण का है, प्रकार का नहीं। हमारे जीवन में अंतर प्रकारगत नहीं है। वेदांत इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि पशु मनुष्य से पूर्णतः पृथक हैं और उन्हें ईश्वर ने हमारे भोज्य रूप में बनाया है। कुछ व्यक्तियों ने वैज्ञानिक शोध के निमित्त चीरफाड़ करने के लिए मारे जाने वाले पशुओं की हत्या का विरोध करने के लिए एक संस्था एंटी विविसेक्शन सोसाइटी स्थापित की है। मैंने एक दिन इस सभा के एक सदस्य से पूछा, भाई आप भोजन के लिए पशु हत्या को पूर्णतः न्यायसंगत मानते हैं, किंतु वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दो एक पशुओं की हत्या के इतने विरुद्ध क्यों हैं? उसने उत्तर दिया, जीवित की चीरफाड़ बहुत विभीत्स्य कार्य है, किंतु पशु तो हमारे भोजनार्थ ही बनाए गए हैं। पशु भी तो उसी अखंड सत्ता के अंश रूप हैं। यदि मनुष्य का जीवन अनंत है तो पशु जीवन भी उसी प्रकार है। प्रभेद केवल परिमाणगत है, प्रकारगत नहीं। देखने पर यह अमीबा और मैं एक ही हूं, अंतर परिमाण का है, और सर्वोच्च जीवन की दृष्टि से देखने पर सारे विभेद मिट जाते हैं। मनुष्य एक तिनके और पौधे में बहुत अंतर देख सकता है, किंतु यदि तुम खूब ऊंचे चढ़कर देखो
तो यह तिनका तथा एक बड़ा वृक्ष दोनों ही समान दिखेंगे। इसी प्रकार उस उच्चतम सत्ता के दृष्टिकोण से निम्नतम पशु और उच्चतम मनुष्य सभी समान हैं। और यदि तुम एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हो तो तुमको पशुओं से लेकर उच्चतम प्राणी तक समत्व मानना पड़ेगा। जो ईश्वर अपनी मनुष्य संतान के प्रति पक्षपाती है और पशु नामक अपनी संतान के प्रति निर्दय है, वह तो फिर दानवों से भी अधम हुआ। इस प्रकार के ईश्वर की उपासना करने की अपेक्षा मुझे सैकड़ों बार मरना भी पसंद है। मेरा समस्त जीवन इस प्रकार के ईश्वर के विरुद्ध युद्ध में ही बीतेगा। किंतु ऐसा विभेद है ही नहीं, और जो लोग ऐसा कहते हैं वे दायित्वहीन और हृदयहीन व्यक्ति हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। यहां फिर व्यवहारिकता शब्द गलत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मैं स्वयं एक कट्टर शाकाहारी ना भी हूं, किंतु मैं उस आदर्श को समझता हूं। जब मैं मांस खाता हूं तब जानता हूं कि यह ठीक नहीं है। परिस्थितिवश उसे खाने को बाध्य होने पर भी मैं यह जानता हूं कि यह क्रूरता है। आदर्श नीचा करके अपनी दुर्बलता का समर्थन मुझे नहीं करना चाहिए। आदर्श यही है, मांस न खाया जाए, किसी भी प्राणी का अनिष्ट न किया जाए, क्योंकि पशुगण भी हमारे भाई हैं। यदि उनको अपना भाई मान सकते हो तो तुम मानव की बंधुता की बात ही क्या, प्राणी मात्र के भातृभाव की ओर बहुत कुछ अग्रसर हो गए। यह तो बच्चों का खेल है। तुम संसार में देखोगे कि इस प्रकार का उपदेश लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उनसे वह प्रस्तुत को छोड़कर आदर्श की ओर जाने के लिए कहता है। किंतु यदि तुम एक ऐसा सिद्धांत उनके सामने रखो जिससे उनके प्रस्तुत आचरण का समर्थन होता हो, तो वे उसे एकदम व्यावहारिक मान लेंगे। मनुष्य स्वभाव में पुरातन रक्षण की प्रवृत्ति बहुत होती है। हम लोग आगे एक कदम भी नहीं बढ़ना चाहते। हिम में जम गए व्यक्तियों के संबंध में मैंने जो पढ़ा है वही मैं मनुष्य जाति के बारे में भी सोचता हूं। सुना जाता है कि इस अवस्था में आदमी सोना चाहता है। यदि उसे कोई खींचकर उठाना चाहता है तो वह कहता है, मुझे सोने दो, बर्फ में सोने से बड़ा आराम मिलता है, और उसी दशा में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम लोगों का स्वभाव भी ऐसा ही है। हम लोग भी सारे जीवन यही करते रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक बर्फ में जमे जा रहे हैं तो भी हम लोग सोना चाहते हैं। अतएव आदर्श अवस्था में पहुंचने के लिए सदा संघर्ष करते रहो, और यदि कोई व्यक्ति आदर्श को तुम्हारे निम्न स्तर पर खींच लाए, यदि कोई तुम्हें ऐसा धर्म सिखाए जो कि उच्चतम आदर्श की शिक्षा नहीं देता, तो उसकी बात कान में भी न पड़ने दो। मेरे लिए वह नितांत अव्यवहारिक धर्म होगा। किंतु यदि कोई मुझे ऐसा धर्म सिखाए जो जीवन का सर्वोच्च आदर्श दर्शाता हो, तो मैं उसकी बातें सुनने के लिए प्रस्तुत हूं। जब कभी कोई व्यक्ति भोगपरक दुर्बलताओं और निस्सारताओं की वकालत करे तो उससे सावधान रहो। एक तो हम अपने को इंद्रिय जाल में फंसाकर एकदम निकम्मे बन जाते हैं, उस पर यदि कोई आकर हमें वैसी शिक्षा दे तो उसका अनुसरण करके हम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकेंगे। मैंने ऐसी बातें बहुत देखी हैं। जगत के संबंध में मुझे कुछ ज्ञान है, और मेरा देश ऐसा देश है जहां संप्रदाय कुकुरमुत्तों के समान बढ़ते रहते हैं। प्रतिवर्ष नए नए संप्रदाय जन्म लेते हैं। किंतु मैंने यही देखा है कि जो संप्रदाय भोगाकांक्षी मानव का सत्याकांक्षी मानव से समझौता कराने की चेष्टा नहीं करते, वे ही उन्नति करते हैं। जहां परम उच्च आदर्शों का झूठी सांसारिक वासनाओं के साथ सामंजस्य करने की, ईश्वर को मनुष्य के स्तर पर खींच लाने की मिथ्या चेष्टा रहती है, वहीं क्षय का आरंभ हो जाता है। मनुष्य को सांसारिक दासता के स्तर पर नहीं घसीट लाना चाहिए, उसे ईश्वर के स्तर तक उठाना चाहिए। साथ ही इस प्रश्न का एक और पहलू है, हमें दूसरों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम सभी उसी एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दुर्बलता और सबलता में केवल परिमाणगत भेद है, प्रकाश और अंधकार में भेद केवल परिमाणगत, पाप और पुण्य के बीच भी भेद केवल परिमाणगत।
जीवन और मृत्यु के बीच में भेद केवल परिमाणगत, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद केवल परिमाणगत ही है, प्रकारगत नहीं, क्योंकि वास्तव में सभी वस्तुएं वही एक अखंड वस्तु मात्र हैं। सब वही एक है जो अपने को विचार, जीवन, आत्मा या देह के रूप में अभिव्यक्त करता है, और उनमें अंतर केवल परिमाण का है। अतः जो किसी कारणवश हमारे समान उन्नति नहीं कर पाए, उनके प्रति घृणा करने का अधिकार हमें नहीं है। किसी की निंदा मत करो, किसी की सहायता कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहो, उन्हें आशीर्वाद दो, अपने रास्ते जाने दो। गाली देने अथवा निंदा करने से कोई उन्नति नहीं होती, इस प्रकार से कभी कोई कार्य नहीं होता। दूसरे की निंदा करने में हम अपनी शक्ति लगाते हैं, आलोचना और निंदा अपनी शक्ति खर्च करने का निस्सार उपाय है, क्योंकि अंत में हम देखते हैं कि सभी लोग एक ही वस्तु देख रहे हैं, कमोवेश उसी आदर्श की ओर पहुंच रहे हैं, और हम लोगों में जो अंतर है वो केवल अभिव्यक्ति के हैं। पाप की बात लो, मैं अभी वेदांत के अनुसार पाप की धारणा तथा इस धारणा की कि मनुष्य पापी है चर्चा कर रहा था। दोनों वास्तव में एक ही हैं, केवल एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। एक मनुष्य को उसकी दुर्बलता दिखा देती है और दूसरी उसकी शक्ति। वेदांत कहता है कि यदि दुर्बलता है तो कोई चिंता नहीं, हमें तो विकास करना है। जब मनुष्य पहले पहल जन्मा तभी उसका रोग क्या है जान लिया गया। सभी अपना अपना रोग जानते हैं, किसी दूसरे को बतलाने की आवश्यकता नहीं होती। सारे समय हम रोगी हैं, यह सोचते रहने से हम स्वस्थ नहीं हो सकते, उसके लिए औषध आवश्यक है। बाहर की हम सारी चीजें भूल सकते हैं, बाह्य जगत के प्रति हम कपटाचारी हो सकते हैं, किंतु अपने मन के अंतराल में हम सब अपनी दुर्बलताओं को जानते हैं। वेदांत कहता है कि फिर भी मनुष्य को सदैव उसकी दुर्बलता की याद कराते रहना अधिक सहायता नहीं करता, उसको बल प्रदान करो, और बल सदैव निर्बलता का चिंतन करते रहने से नहीं प्राप्त होता। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। मनुष्य में जो शक्ति पहले से ही विद्यमान है उसे उसकी याद दिला दो। मनुष्य को पापी न बतलाकर वेदांत ठीक उसका विपरीत मार्ग ग्रहण करता है और कहता है, तुम पूर्ण और शुद्ध रूप हो, और जिसे तुम पाप कहते हो वह तुम में नहीं है। जिसे तुम पाप कहते थे वह तुम्हारी आत्म अभिव्यक्ति का निम्नतम रूप है। अपनी आत्मा को उच्चतर भाव में प्रकाशित करो। यह एक बात हम सबको सदैव याद रखनी चाहिए, और इसे हम सब कर सकते हैं। कभी नहीं मत कहना, मैं नहीं कर सकता, यह भी ना कहना, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल भी कुछ नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। ये नीति शास्त्र के सिद्धांत हैं। अब हमें नीचे उतरकर ब्योरों का निरूपण करना होगा। हमें देखना है कि किस प्रकार यह वेदांत हमारे दैनिक जीवन में, नागरिक जीवन में, ग्राम्य जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और प्रत्येक राष्ट्र के घरेलू जीवन में परिणित किया जा सकता है। कारण, यदि धर्म मनुष्य को जहां भी और जिस स्थिति में भी वह है सहायता नहीं दे सकता, तो उसकी उपयोगिता अधिक नहीं, तब वह केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कोरा सिद्धांत होकर रह जाएगा। धर्म यदि मानवता का कल्याण करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह मनुष्य की सहायता उसकी प्रत्येक दशा में कर सकने में तत्पर और सक्षम हो, चाहे गुलामी हो या आजादी, घोर पतन हो या अत्यंत पवित्रता, उसे सर्वत्र मानव की सहायता कर सकने में समर्थ होना चाहिए। केवल तभी वेदांत के सिद्धांत अथवा धर्म के आदर्श, उन्हें तुम किसी भी नाम से पुकारो, कृतार्थ हो सकेंगे। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारे सबसे अधिक सहायता कर सकता है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता
और यह कार्य रूप में परिणित हो जाता तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितना दुख और अशुभ है उसका अधिकांश गायब हो जाता। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई महान प्रेरणा सबसे अधिक सशक्त रही है तो वह है यही आत्मविश्वास। वे इस ज्ञान के साथ पैदा हुए थे कि वे महान बनेंगे और वे महान बने भी। मनुष्य कितनी ही अवनति की अवस्था में क्यों न पहुंच जाए, एक समय ऐसा अवश्य आता है जब वह उससे बेहद आर्त होकर एक ऊर्ध्वगामी मोड़ लेता है और अपने में विश्वास करना सीखता है। किंतु हम लोगों को इसे शुरू से ही जान लेना अच्छा है। हम आत्मविश्वास सीखने के लिए इतने कटु अनुभव क्यों प्राप्त करें? मनुष्य मनुष्य के बीच जो भेद है वह केवल आत्मविश्वास की उपस्थिति तथा अभाव के कारण ही है। यह सरलता से ही समझ में आ सकता है। इस आत्मविश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में ही इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है उतना ही यह विश्वास दृढ़तर होता जा रहा है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों के अनुसार जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नूतन धर्म कहता है जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। किंतु यह विश्वास केवल इस क्षुद्र मैं को लेकर नहीं है, क्योंकि वेदांत एकत्ववाद की भी शिक्षा देता है। इस विश्वास का अर्थ है सबके प्रति विश्वास, क्योंकि तुम सभी एक हो। अपने प्रति प्रेम का अर्थ है सब प्राणियों से प्रेम, समस्त पशु पक्षियों से प्रेम, सब वस्तुओं से प्रेम, क्योंकि तुम सब एक हो। यही महान विश्वास जगत को अधिक अच्छा बना सकेगा, यही मेरा विश्वास है। वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है जो सच्चाई के साथ कह सकता है मैं अपने संबंध में सब कुछ जानता हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस देह के भीतर कितनी ऊर्जा, कितनी शक्तियां, कितने प्रकार के बल अब भी छिपे पड़े हैं? मनुष्य में जो है उस सब का ज्ञान कौन सा वैज्ञानिक प्राप्त कर सकता है? लाखों वर्षों से मनुष्य पृथ्वी पर है, किंतु अभी तक उसकी शक्ति का पारमाणविक अंश मात्र ही प्रकाशित हुआ है। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? ऊपर से दिखने वाली इस पतितावस्था के पीछे क्या संभावना है? क्या तुम यह जानते हो? तुम्हारे अंदर जो है उसका थोड़ा सा तुम जानते हो? तुम्हारे पीछे है शक्ति और आनंद का अपार सागर। आत्मा वा अरे श्रोतव्यः, इस आत्मा के बारे में पहले सुनना चाहिए। दिन रात श्रवण करो कि तुम ही वह आत्मा हो। दिन रात यही भाव अपने में व्याप्त किए रहो, यहां तक कि वह तुम्हारे रक्त के प्रत्येक बूंद में और तुम्हारी नस नस में समा जाए। संपूर्ण शरीर को इसी एक आदर्श के भाव से पूर्ण कर दो। मैं अज, अविनाशी, आनंदमय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नित्य ज्योतिर्मय आत्मा हूं। दिन रात यही चिंतन करते रहो जब तक कि यह भाव तुम्हारे जीवन का अविच्छेद्य अंग नहीं बन जाता। इसी का ध्यान करते रहो और इसी से तुम कर्म करने में समर्थ हो सकोगे। हृदय पूर्ण होने पर मुंह बात करता है, हृदय पूर्ण होने पर हाथ भी काम करते हैं। अतएव इस प्रकार की अवस्था में ही यथार्थ कार्य पूर्ण हो सकेगा। अपने को इस आदर्श के भाव से ओतप्रोत कर डालो, जो कुछ करो उसी का चिंतन करते रहो। तब इस विचार शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे संपूर्ण कर्म बृहत, परिवर्तित और देव भावपन्न हो जाएंगे। अगर जड़ शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार से अपने जीवन को प्रेरित कर डालो। स्वयं को अपनी तेजस्विता, सर्वशक्तिमत्ता और गरिमा के भाव से पूर्णतः भर लो। ईश्वर इच्छा से काश कुसंस्कार पूर्ण भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश न कर पाते। ईश्वर कृपा से काश हम लोग इस कुसंस्कार के भाव तथा दुर्बलता और नीचता के भाव से परिवेष्टित न होते। ईश्वर इच्छा से काश मनुष्य अपेक्षाकृत सहज उपाय द्वारा उच्चतम महत्तम सत्यों को प्राप्त कर सकता।
किंतु उसे इन सब में से होकर ही जाना पड़ता है। जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं उनके लिए रास्ता अधिक दुर्गम न बनाओ। कभी कभी इन सत्यों का उपदेश बड़ा भयानक होता है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये उपदेश सुनकर भयभीत हो जाते हैं, किंतु जो व्यावहारिक स्तर पर अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए यही पहला पाठ है। अपने से अथवा किसी दूसरे से कभी यह ना कहो कि तुम दुर्बल हो। यदि कर सको तो जगत का कल्याण करो, पर उसका अनिष्ट ना करो। अपने अंतरम से यह समझ लो कि तुम्हारे ये सीमित विचार एवं काल्पनिक पुरुषों के समान घुटने टेक कर तुम्हारा रोना या प्रार्थना करना केवल अंधविश्वास है। मुझे एक ऐसा उदाहरण बताओ जहां बाहर से इन प्रार्थनाओं का उत्तर मिला हो। जो भी उत्तर पाते हो वह अपने हृदय से ही। तुम जानते हो कि भूत नहीं होते, किंतु अंधकार में जाते ही शरीर कुछ कांप सा जाता है। इसका कारण यह है कि बिल्कुल बचपन से ही हम लोगों के सिर पर यह भय घुसा दिया गया है। किंतु समाज के भय से, संसार के कहने सुनने के भय से, बंधु बांधवों की घृणा के भय से अथवा अपने प्रिय कुसंस्कार के नष्ट होने के भय से यह सब हम दूसरों को न सिखाएं। इन सब को जीत लो। धर्म के विषय में विश्व ब्रह्मांड के एकत्व और आत्मविश्वास के अतिरिक्त और क्या शिक्षा आवश्यक है? शिक्षा केवल इतनी ही देनी है। सहस्रों वर्षों से मनुष्य इसी लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है और सत्य को तुम जानते हो, क्योंकि सब ओर से हम उसी की शिक्षा पाते हैं। केवल दर्शन और मनोविज्ञान ही नहीं, भौतिक विज्ञान भी उसी की घोषणा करते हैं। आज ऐसा वैज्ञानिक कहां है जो जगत के एकत्व के सत्य को स्वीकार करने से डरता हो? आज कौन अनेक जगतों की बातें कहने का साहस कर सकता है? यह सब अंधविश्वास मात्र है। केवल एक ही जीवन है, एक ही जगत है, और वही हम लोगों के सामने अनेकवत प्रतीत होता है। यह अनेकता एक स्वप्न सदृश है। स्वप्न देखते समय एक के बाद दूसरा स्वप्न आता है। स्वप्न में जो देखा जाता है वह सत्य तो नहीं है। एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न दिखाई पड़ता है। विभिन्न दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने उद्भासित होते रहते हैं। इसी प्रकार यह 15 आने दुख रूप और एक आना सुख रूप जगत जान पड़ता है। शायद कुछ दिन बाद ही यह 15 आने सुख रूप प्रतीत होगा, तब हम इसे स्वर्ग कहेंगे। किंतु साधक को सिद्धावस्था प्राप्त होने पर एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें यह सब अंतर्हित हो जाता है। यह जगत और अपनी आत्मा साक्षात ब्रह्म रूप अनुभव होती है। अतएव जगत अनेक नहीं है, जीवन अनेक नहीं है, यह बहुत्व उस एकत्व की ही अभिव्यक्ति है। केवल वह एक ही अपने को बहुरूप में जड़, चेतन, मन, विचार अथवा अन्य विविध रूपों में व्यक्त कर रहा है। अतएव हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है इस तत्व की अपने को तथा दूसरों को शिक्षा देना। जगत इस महान आदर्श की घोषणा से प्रतिध्वनित हो, सब कुसंस्कार दूर हों। दुर्बल मनुष्यों को यही सुनाते रहो, लगातार सुनाते रहो, तुम शुद्ध स्वरूप हो, उठो, जागृत हो जाओ। हे शक्तिमान, यह नींद तुम्हें शोभा नहीं देती। जागो, उठो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अपने को दुर्बल और दुखी मत समझो। हे सर्वशक्तिमान, उठो, जागृत हो, अपना स्वरूप प्रकाशित करो। तुम अपने को पापी समझते हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अपने को दुर्बल समझते हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जगत से यही कहते रहो, अपने से यही कहते रहो। देखो इसका क्या व्यवहारिक फल होता है। देखो कैसे बिजली के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो उठती हैं और सब कुछ कैसे परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य जाति से यह बतलाओ और उसे उसकी शक्ति दिखा दो, तभी हम अपने दैनंदिन जीवन में उसका प्रयोग करना सीख सकेंगे। जिसे हम विवेक या सदसत विचार कहते हैं, उसका अपने जीवन के प्रतिक्षण में एवं प्रत्येक कार्य में उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें सत्य की कसौटी जान लेनी चाहिए, और वह है पवित्रता,
तथा एकत्व का ज्ञान। जिससे एकत्व की प्राप्ति हो वही सत्य है। प्रेम सत्य है, घृणा असत्य है, क्योंकि वह अनेकत्व को जन्म देती है। घृणा ही मनुष्य को मनुष्य से पृथक करती है, अतएव वह गलत और मिथ्या है। यह एक विघटक शक्ति है, वह पृथक करती है, नाश करती है। प्रेम जोड़ता है, प्रेम एकत्व स्थापित करता है। सभी एक हो जाते हैं, मां संतान के साथ, परिवार नगर के साथ, संपूर्ण जगत पशु पक्षियों के साथ एकीभूत हो जाता है, क्योंकि प्रेम ही सत है, प्रेम ही भगवान है, और यह सभी कुछ उसी एक प्रेम का ही न्यूनाधिक प्रस्फुटन है। प्रभेद केवल मात्रा के तारतम्य में है, किंतु वास्तव में सभी कुछ उसी एक प्रेम की ही अभिव्यक्ति हैं। अतएव हम लोगों को यह देखना चाहिए कि हमारे कर्म अनेकत्व विधायक हैं अथवा एकत्व संपादक। यदि वे अनेकत्व विधायक हैं तो उनका त्याग करना होगा, और यदि वे एकत्व संपादक हैं तो उन्हें सत्कर्म समझना चाहिए। इसी प्रकार विचारों के संबंध में भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि उनसे विघटन या अनेकत्व उत्पन्न होता है या एकत्व, और वे एक आत्मा को दूसरी आत्मा से मिलाकर एक महान शक्ति उत्पन्न करते हैं या नहीं। यदि करते हैं तो ऐसे विचारों को अंगीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपराध मानकर त्याग देना चाहिए। वेदांत का नीति शास्त्र किसी अज्ञेय तत्व पर आधारित नहीं है, वह किसी अज्ञात तत्व का उपदेश नहीं करता। वरन उपनिषदों की भाषा में जिस ईश्वर की हम एक अज्ञात ईश्वर के रूप में उपासना करते हैं, मैं तुमको उसी का उपदेश कर रहा हूं। तुम जो कुछ जानते हो आत्मा के द्वारा ही जानते हो। देखने से पहले मुझे अपने स्वयं का ज्ञान होता है, उसके बाद कुर्सी का, इस आत्मा में और उसके द्वारा ही इस कुर्सी का ज्ञान होता है, इस आत्मा में और उसके द्वारा ही मुझे तुम्हारा ज्ञान होता है, संपूर्ण जगत का ज्ञान होता है। अतएव आत्मा को अज्ञात कहना केवल प्रलाप है। आत्मा को हटा लेने से संपूर्ण जगत ही विलुप्त हो जाता है। आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण ज्ञान होता है, अतएव यही सबसे अधिक ज्ञात है। यही वह तुम हो जिसको तुम मैं कहते हो। तुम लोग यह सोचकर आश्चर्य करते हो कि मेरा मैं भला तुम्हारा मैं कैसे हो सकता है। तुम्हें आश्चर्य होता है कि यह शांत सीमित मैं किस प्रकार अनंत असीम स्वरूप हो सकता है, किंतु वास्तव में यही बात सत्य है। शांत यानी सीमित मैं केवल भ्रम मात्र है, गल्प कथा मात्र है। उस अनंत के ऊपर मानो एक आवरण पड़ा हुआ है और उसका कुछ अंश इस मैं रूप में प्रकाशित हो रहा है, किंतु वास्तव में वह उसी अनंत का अंश है। यथार्थ में असीम कभी ससीम नहीं होता, ससीम केवल बात की बात है। अतः यह आत्मा नर नारी बालक बालिका यहां तक कि पशु पक्षी सभी को ज्ञात है। उसको बिना जाने हम क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकते। उस सर्वेश्वर प्रभु को बिना जाने हम लोग एक क्षण भी श्वास प्रश्वास तक नहीं ले सकते, न गतिशील हो सकते हैं, न अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। वेदांत का ईश्वर सब चीजों की अपेक्षा अधिक ज्ञात है, वह कल्पना प्रसूत नहीं है। यदि यह एक व्यवहारिक ईश्वर की शिक्षा नहीं है तो फिर और किस प्रकार से तुम उसकी शिक्षा दे सकोगे। जो ईश्वर सब प्राणियों में विराजमान है हमारी इंद्रियों से भी अधिक सत्य है। मैं जिसे सम्मुख देख रहा हूं उससे भी अधिक ईश्वर और व्यवहारिक कहां होगा, क्योंकि तुम ही वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर हो। और यदि यह कहूं कि तुम वह नहीं हो तो मैं झूठ बोलता हूं। सारे समय मैं इसकी अनुभूति करूं या ना करूं, सत्य यही है। वह एक अखंड वस्तु रूप सर्व वस्तुओं की एकता समस्त जीवन और समस्त अस्तित्व का सत्य स्वरूप है। वेदांत के नीति शास्त्र के इन सभी विचारों को
और भी विस्तृत रूप से कहना पड़ेगा, अतएव थोड़ा सा धैर्य रखना आवश्यक है। पहले भी कह चुका हूं, तुम लोगों को इसका विस्तृत निरूपण करना पड़ेगा और यह भी देखना है कि किस प्रकार यह आदर्श निम्नतर आदर्शों से क्रमशः विकसित हुआ है और किस प्रकार पूरा एकत्व का आदर्श धीरे धीरे विकसित होकर विश्व प्रेम में परिणित हो गया है। खतरों से बचने के लिए इन सब तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। दुनिया तो धीरे धीरे निम्नतम आदर्श से ऊपर उठने के लिए रुकी नहीं रह सकती, किंतु हमारे ऊंचे सोपान पर चढ़ने का फल ही क्या यदि हम यह सत्य बाद में आने वाली पीढ़ियों को न दे सकें। इसलिए इसकी आलोचना हमें विशेष रूप से विस्तार पूर्वक करनी होगी और प्रथमतः उसके बौद्धिक पक्ष को स्पष्ट करना परम आवश्यक है। यद्यपि हम जानते हैं कि बौद्धिकता का विशेष मूल्य नहीं, हृदय ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हृदय के द्वारा ही भगवत साक्षात्कार होता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। बुद्धि केवल जमादार के समान रास्ता साफ कर देती है, वह गौण सहायक है, पुलिस के समान है, किंतु समाज के सुंदर परिचालन के लिए पुलिस की सकारात्मक आवश्यकता नहीं होती। उसका कार्य उपद्रव रोकना और अन्याय निवारण करना है। बुद्धि का कार्य भी इतना ही है। जब बौद्धिक पुस्तकें पढ़ते हो तब उन पर अधिकार कर लेने पर तुम यही सोचते हो कि ईश्वर को धन्यवाद है मैं उनके बाहर निकल आया। इसका कारण यह है कि बुद्धि अंधी है, उसकी अपनी गति शक्ति नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है। भावना ही वास्तव में कार्य करती है, उसकी गति बिजली अथवा उससे भी अधिक वेगवान पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारे भावना है? यदि है तो तुम ईश्वर को देखोगे। आज तुम्हारी जितनी भी भावना है वही प्रबल होती जाएगी, देव भावापन्न होती रहेगी, उच्चतम भूमि में प्रतिष्ठित होगी और अंततः वह हर वस्तु का अनुभव करेगी, हर वस्तु में एकत्व, स्वयं में तथा हर अन्य वस्तु में ईश्वर का अनुभव करने लगेगी। बुद्धि यह नहीं कर सकती। शब्दों के प्रयोग के विभिन्न तरीके, शास्त्र व्याख्या की विभिन्न शैलियां केवल पंडितों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं। तुम लोगों में से जिन्होंने टॉमस आ कैंपस की ईसा अनुसरण नामक पुस्तक पढ़ी है वे जानते हैं कि हर पृष्ठ पर किस प्रकार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। संसार के प्रायः हर संत ने इसी पर जोर दिया है। बुद्धि आवश्यक है क्योंकि उसके बिना हम अनेक भ्रमों में पड़ जाते हैं और गलतियां करते हैं। विचार शक्ति उसका निवारण करती है। इसके अतिरिक्त बुद्धि की नींव पर और कुछ निर्माण करने की चेष्टा न करना, वह केवल एक गौण सेकेंडरी सहायक मात्र है, निष्क्रिय है। वास्तविक सहायता भावना से, प्रेम से प्राप्त होती है। तुम क्या किसी दूसरे के लिए हृदय से अनुभव करते हो? यदि करते हो तो एकत्व के भाव में तुम विकास कर रहे हो, यदि नहीं तो तुम भूतों ना भविष्यतों एक बौद्धिक दैत्य भले ही हो, तुम कुछ हो नहीं सकोगे, केवल शुष्क बुद्धि हो और वही बने रहोगे। यदि तुम हृदय से अनुभव करते हो तो एक भी पुस्तक ना पढ़ सकने पर, कोई भाषा ना जानने पर भी तुम ठीक रास्ते पर चल रहे हो। ईश्वर तुम्हारा है। क्या विश्व के इतिहास में तुम्हें पैगंबरों की शक्ति के स्रोत का पता नहीं चला? बुद्धि में? उनमें से क्या कोई दर्शन संबंधी सुंदर पुस्तक लिखकर छोड़ गया है, अथवा न्याय के कूट विचार लेकर कोई पुस्तक लिख गया है? नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया। वे केवल कुछ थोड़ी सी बातें कह गए हैं। ईसा की भांति भावना करो, तुम भी ईसा हो जाओगे। बुद्ध के समान भावना करो, तुम भी बुद्ध बन जाओगे। भावना ही जीवन है, भावना ही बल है, भावना ही तेज है। भावना के बिना कितनी ही बुद्धि क्यों ना लगाओ, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। बुद्धि चलन शक्ति शून्य अंग प्रत्यंग के समान है। जब भावना उसे अनुप्राणित करके गतियुक्त करती है तभी वह दूसरे के हृदय को स्पर्श करती है।
जगत में सदा से ऐसा ही होता आया है, अतएव यह तुम्हें भली भांति याद रखना चाहिए। वेदांती नीति शास्त्र में यह एक सर्वाधिक व्यावहारिक बात है, क्योंकि वेदांत कहता है तुम सब पैगंबर हो, तुम सबको पैगंबर होना ही पड़ेगा। कोई ग्रंथ तुम्हारे कार्यों का प्रमाण नहीं, किंतु तुम ही ग्रंथों के प्रमाण स्वरूप हो। कोई पुस्तक सत्य की ही शिक्षा देती है, यह किस प्रकार जानते हो? क्योंकि तुम सत्य हो और तुम भी ठीक वैसा ही अनुभव करते हो। वेदांत यही शिक्षा देता है। जगत के ईसा और बुद्ध गणों का प्रमाण क्या है? यही कि हम तुम भी वैसा ही अनुभव करते हैं। इसी कारण हम तुम समझते हैं कि ये सब सत्य हैं। हम लोगों की पैगंबर आत्मा ही उन लोगों की पैगंबर आत्मा का प्रमाण है, यहां तक कि तुम्हारा ईश्वरत्व ही ईश्वर का भी प्रमाण है। यदि तुम वास्तविक महापुरुष नहीं हो तो ईश्वर के संबंध में भी कोई बात सत्य नहीं। तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो कोई ईश्वर भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। वेदांत कहता है इसी आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। हम लोगों में से प्रत्येक को पैगंबर बनना पड़ेगा, और तुम स्वरूपतः वही हो, बस केवल यह जान लो। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो वह यह कहना है कि मैं दुर्बल हूं अथवा अन्य कोई दुर्बल है।